सुखदेव जी ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि हमारा भाई हिरण्यक्ष मार डाला गया, हिरण्यकश्यप ने सुना कि हमारा भाई हिरण्यक्ष मार डाला गया, उस समय हिरण्यकश्यप कहने लगा कि यदि नारायण ने हमारे भ्राता को ही मारा है तो उन्हीं के रक्त से अपने भाई को मैं तर्पण दूंगा। ये विचार कर लिया कि उनके रक्त से खून से मैं अपने भाई हिरण्यक्ष को तर्पण करूंगा, ये सोच करके और तपस्या के लिए हिरण्यकश्यप दूंगी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले और तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, मंदराचल पर्वत पे तपस्या करते ही ये कहीं पैर के बल से खड़े थे, तपस्या करते इनके शरीर में दीमक लग गई, हिरण्यकश्यप के पैर के बल पे खड़े थे। इनको तपस्या करते हजार वर्ष तक व्यतीत हो गया हिरण्यकश्यप को, तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्रवर, मैं तुझ पर तो प्रसन्न है तुम्हारी तपस्या से, आप जो वरदान चाहो वरदान मुझसे मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि पितामह मुझे वरदान अमृत दान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं भी नहीं है, अमर यदि पूछा जाए तो हम भी नहीं अमर हैं, आपको क्या कहें, अमृत दान छोड़ करके कोई दूसरा वरदान मांगिए। हिरण्यकश्यप फिर सोचने लगा कि दूसरी वरदान की बात है, कहा पितामह ना दिन में मरू ना रात्रि में मरू, और ना वृक्ष से मरू, ना पर्वत से मरू, ना जल में मरू, ना कोई अस्त्र से मरू, गर्भ से पैदा हुए जीव से मेरी मृत्यु ना हो, मैं यही वरदान चाहता हूं। लेकिन एक समय भूल गया हिरण्यकश्यप, गिद्धी ने औराद का तो वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी ने तो कह दिए कि यो मस्त, लेकिन जो मुझल फल था सूर्यास्त होने के बाद वो समय हिरण्यकश्यप ने नहीं मांगा। ब्रह्मा जी कहने लगे यो मस्त, ब्रह्मा जी बोले यो मस्त, वरदान को पाकर इधर देवराज इंद्र सोच रहे थे कि तपस्या के लिए हिरण्यकश्यप गया है और तपस्या करके वरदान पुनः प्राप्त कर लेगा तो देवताओं का राज भी छीन सकता है, देवताओं का राज भी छीन लेगा तो क्या होना चाहिए। देवराज इंद्र ने भेजा नकुल, हिरण्यकश्यप की स्त्री कयाद, कयाद नाम था, कयाद को हरण करके वापस लेकर गए। सोचा इंद्र ने कि कयाद का प्राण अंत कर दो, कयाद को मार डालो। तब तक नारद जी का आगमन हुआ, महाराज सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी कहने लगे कि देखिए कि पुत्रम के ओ सम प्रियम
जिज्ञासम फिर कौन ना। कहा इसके गर्भ में जो बालक है वो रत्न के समान सुंदर बालक है, कयाद का वध न करो। कयाद के गर्भ से जो बालक होगा वो बालक के द्वारा इसके पिता का हनन होगा, इसका पिता मारा जाएगा और बालक भगवान का भक्त होगा, इसलिए कयाद के जीवन दान दे दो। जब हिरणा का सर तपस्या करके आया महाराज सुखदेव जी ने कहा, अपने स्त्री को नहीं देखा, ढूंढने लगा। जब ढूंढने लगा चारों तरफ की हमारी कयाद स्त्री कहां चली गई, पता करने लगा चारों तरफ। महाराज सुखदेव जी ने कहा, इधर गर्भ में जो बालक था तो वो बालक 3 महीने का केवल गर्भ में था, तीन महीने का बालक था गर्भ में। नारद जी जब उसको शिक्षा देते थे, जब भागवत गीता के ही पाठ सुनाते थे नारद जी, तो बालक गर्भ से भी उकारी भरता था। बालक गर्भ से उकारी भरना था, उसको शिक्षा भागवत नारद जी दे रहे थे। इधर हीरा कच्चा पता करके कयाद को साथ में लेकर के गया। जब कयाद को लेकर के गया और कुछ रोज बीतने के बाद हीरा कच्चा प्राहारिणा धारो द्वारे विभ्रता। हिरणाकश्यप ने तो इधर प्रतिज्ञा किया था कि हमारे भ्राता हिरणाक्ष को मारा है विष्णु ने, उनके रक्त से मैं तर्पण दूंगा। वो बात तो हिरणाकश्यप भूल गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हिरणाकश्यप वो बात भूल गया। अब वो दूसरी माया हिरणाकश्यप के पास आप कुछ रोज बीतने पर बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा बालक, क्योंकि हिरणाकश्यप के अत्याचार से ही विकल थे देवता और हिरणाकश्यप की मृत्यु ही समीप था, समय जा रहा था, इसलिए वो बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। महाराज सुखदेव जी ने कहा, बालक जब बढ़ने लगा एक दिन लड़कों के साथ वो बालक घूमने के लिए गया नगर में। जो हरद्रोही गांव था, जहां पर हरदोई जिला इस समय है, वो नगर था हरद्रोही पहले, अब तो हरदोई जिला हो गया। वहीं पर हिरणाकश्यप रहता था नगर में हरद्रोही गांव में। उस गांव में कुम्हारिन रहती थी, कुम्हारिन बर्तन ही बना करके आवा लगाती थी रोज। बर्तन में बिल्ली बच्चे रखे रही, लेकिन कुम्हारिन को यह पता नहीं था कि इसमें बिल्ली बच्चे रखे। सारा बर्तन उठा करके जब आवा लगा दिया और आवा लगा करके जब आवा में अग्नि प्रचंड कर दी
और अग्नि जब प्रचंड किया उस समय बिल्ली द्वार पर आकर के फिर आंगन में जाए, द्वार पर आवे, आवाज म्याऊ म्याऊ का लगाती रहे अपने बच्चे की खातिर। कुमारी सोचने लगी कि शायद बिल्ली बच्चे रखे थिया और मेरे आज अंजाल में ही आमा में लगा दी है, बच्चे नहीं बचेंगे, सब जल जाएंगे। भगवान को द्वार पर बैठ करके याद करने लगी कि आधुनम सपान मुक्तो कृष्ण चक्रा हतांग हता। उस समय कुमार कहने लगी कि हे कृष्णचंद्र, हे चक्रधारी, मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया, इस पाप से मुझे वंचित कीजिए, मुझे बचाइए। मैंने धोखे से आवा में ही बिल्ली के बच्चे लगा दी और जल जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, तो मुझे पाप लगेगा, अब मैं क्या करूं। यह आवा खोलती है तो मालूम नहीं बच्चे कहां पर हैं। तब तक प्रहलाद रो रही थी, प्रहलाद लड़कों के साथ घूम करके पहुंचे द्वार पर, देखा कुमारी बैठी रोती थी। कुमारी से प्रहलाद पूछने लगे कि अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो, नारायण को क्यों याद करती हो, नारायण तो वो घर पे सो रहे हैं। कहा नारायण घर पे सो रहे हैं, नारायण को क्यों बुलाती हूं। कुमारी बोली कि नारायण तो ना दिन में सोते हैं और ना रात्रि में। बोले उमा महेश्वर भगवान की